वाराणसी में बीते 28 अगस्त को चौकाघाट क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि एक अभियुक्त हेमंत सिंह ने आज वाराणसी के सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। घटना में शामिल हेमंत सिंह को आज अधिवक्ता अनुज यादव ने सीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहां हेमंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक सुरक्षा में क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि चौकाघाट में हुए दोहरे हत्याकांड में हेमंत को जबरन फंसाया गया है और उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हेमंत सिंह ने न्यायालय का सम्मान करते हुए सीजीएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक सुरक्षा में क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। अब तक मेरी जानकारी में इस दोहरा हत्याकांड में 3 लोग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आज हेमंत सिंह, जिसको पुलिस ने वांछित किया था गलत तरीके से, वो आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। नहीं नहीं, आज न्यायालय में जैसा कि पुलिस द्वारा NBW जारी कराया गया था CGM महोदय से, तो उसी NBW पर जैसे जानकारी हुई कि हमारे खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया, हेमंत सिंह न्यायालय का सम्मान करते हुए खुद न्यायालय में आकर आत्मसमर्पण किए हैं। निश्चित रूप से पुलिस द्वारा जो है वो न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न किया गया क्राइम ब्रांच और STF के द्वारा, और उसे गलत तरीके से कचहरी से जैसे आत्मसमर्पण करते समय गिरफ्तार करके ले जाने का प्रयास किया गया, जिसको हम अधिवक्ता भाइयों ने मिलकर उसे सफल नहीं होने दिया। हेमंत सिंह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में आज पेश हुए हैं और उन्हें न्यायिक अपेक्षा में लेकर क्वारंटाइन सेंटर 14 दिन के लिए भेजा गया है। इसमें 3 लोग पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं पुलिस के द्वारा, एक विवेक सिंह और पट्टा है, जिनको पुलिस द्वारा गलत तरीके से उनको भी फंसाया है, जिसको जौनपुर जेल से तलब करके उनका भी कल न्यायिक अपेक्षा रिमांड बनाया गया है। जो भी मुलजिम हैं, कोई भी मुलजिम इसमें नामजद नहीं है, पुलिस द्वारा बाद में गलत तरीके से विवेचना करते हुए सारे लोगों को गलत तरीके से इसमें नामित कर रहा है, जबकि इस मुकदमे में जो अभियुक्त जो मारा गया है वो खुद कुख्यात अपराधी था, जिसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, और जो विवेक सिंह कट्टा के ऊपर भी गोली चलाया था, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें विवेक सिंह कट्टा द्वारा उसके खिलाफ गवाही दी गई है, जिसका जीरा चल रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।